कॉलेज के स्टूडेंट्स क्यों 12 बजे 1 बजे कॉलेज आ जाएंगे? सो वी हैव टू टेक द एक्शन अगेंस्ट दैट. विदाउट यूनिफॉर्म वी हैव टू टेक द एक्शन अगेंस्ट दैट. मेरा बच्चा बाहर होगा, कॉलेज स्टूडेंट, 12 बजे भी 1 बजे भी. व्हाई आपके पेरेंट्स हमारे भरोसे भेजते हैं हमें 10 to 4? हम आपके गार्डियन हैं. देखिए फीमेल स्टूडेंट्स का सेंसिटिव इशू होता है, हम हमेशा कोशिश करते हैं हमारे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में रहें. इफ यू विल नॉट लर्न द वैल्यूज एट दिस टाइम एट दिस जंक्चर देन व्हेन यू विल लर्न दीज वैल्यूज? सब आप खुद सीखेंगे. अपने बच्चे हैं बाद में स्टूडेंट्स. अगर मैं अपने घर में अपनी बेटी को वैल्यूज दूंगी आप अपने अंदर बैठे. जी मैम. So how do you expect that we will not follow the rules and regulations of the school? If you don't follow them, just give me the reason. Why you will not be punctual to the college? Why you will not be with a proper uniform to the college? चलिए कोई काम है आपको, बट कम टू विद अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, कम वेल इन टाइम. हाँ अगर आपको कोई अपना काम है, पर्सनल काम, वी अलाउ द विजिटर्स आफ्टर 2:30 or 2:00, उसके बाद आइए आप. एंड वी विल नॉट अलाउ एनी स्टूडेंट्स टू लीव द कॉलेज प्रीमिसेस बिफोर 2:30. फॉलो करने यू हैव टू फॉलो द कॉलेज रूल्स एंड रेगुलेशंस. So you have to come up to me. हमने 11 बजे तक कॉलेज का गेट खुला रखा है because you come from the far flung areas. हम 11 बजे तक आपका गेट. So why you will come after 11? How we will maintain the discipline in the college? You have to follow. You have to abide by the rules and the regulations of the college. और जो यूनिफॉर्म की बात है, हमने आपको 1 महीना दे दिया. Come with a proper uniform. Those students who are with proper uniform, they are allowed to enter in the college premises.